I'm traveling to क्या पता बिल कराऊंने का मुझे उसी के लिए भी जाना है बाहर, टिकट्स कराने, देखने कल के टिकट अवेलेबल भी है या नहीं। वैसे प्लान पूरा अभी तक कंफर्म है कि कल मैं ट्रैवल करूँ। बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा था ट्रैवल करने की वहाँ पे, बट नहीं हो पा रहा था। अब फाइनली मेरी डेट्स फाइनल हो चुकी हैं। मैं अपने आप को मैंने फ्री कर लिया है, जो मेरा काम था थोड़ा बहुत वो हो चुका है। अब जो भी है वो ऑनलाइन मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ। तो अब चलते हैं बाहर और पहले करवाते हैं टिकट्स। तो चलिए, अभी मैं आ चुका हूँ ट्रेन के टिकट करा के। टिकट हो चुका है, जो उनसे ट्रेन का करवाना था जनशताब्दी, उसका नहीं हुआ। दूसरी का हुआ सुपर आई गेस। पता नहीं वो कैसी ट्रेन रहेगी, मैं पहली बार उस ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। अब देखते हैं, वो तो एक्सपीरियंस खैर कल ही होगा, कल की मेरी ट्रेन है। और अभी मुझे थोड़ी प्लानिंग्स वगैरह करनी, मतलब प्रिपेयर करना, जो भी सामान लेके जाना। ना मेरी अभी पैकिंग हुई, ना मैं कुछ सामान लाया, ना ही कुछ सोचा, कुछ करा ही नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ सडन प्लान बना है कि चलो भाई चलते हैं जब काम से फ्री हो गया आज सुबह ही, क्योंकि मुझे पता चला है कि मैं काम से भी फ्री हूँ तो मैं कहीं आ जा सकता हूँ। तो बहुत सडन प्लान था। और अभी बाहर जाऊँगा मैं थोड़ा सामान वगैरह लेने, प्रिपरेशन जो भी करनी है मुझे, तो तब मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे बाहर जाके। निकल तो मैं घर से काफ़ी टाइम पहले ज़्यादा, अभी टाइम हो गया 4:30। मेरे कुछ दोस्त आ गए थे तो उनसे बातचीत करने में ऐसे ही टाइम पास हो गया। तो अभी मैंने बुलाया संचित को, भाई यार साथ में अभी तो होना चाहिए ना भाई। तो संचित चलेगा मेरे साथ, अभी हम जा रहे हैं सामान लेने। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं संचित कितनी देर में आता है। उससे मैंने बंदे को कॉल करी थी 2 बजे, कह रहा भाई अभी पबजी खेल रहा हूँ थोड़ी देर में आता हूँ। बंदे ने मुझे 4:15 पर कॉल करी, भाई खेल लिया पबजी आ जा। चक्कर मेरा भी नुकसान हो गया, मेरी स्ट्रिंग टूट गई भाई। कौन सी रिंग भाई? गिटार की, नीचे स्ट्रिंग टूट गई। कितनी स्ट्रिंग हो गई? कितनी? ऊपर की 3-3 हो गई। अबे ऑडियंस को तो बता दे मेरी स्ट्रिंग क्यों ली है, किस चीज के लिए तूने? गिटार के लिए, और सबसे एक लेने आया था, पूरा पैकेट लेना पड़ा है मेरे को। बता भाई, मेरा भाई एक स्ट्रिंग लेने आया था गिटार की, लेकिन पूरा पैकेट लेके जा रहा है। 200 रुपए। अंकल ने पिछली बार कितनी फ्री की चीज दी थी भाई? 5 पिक दी थी। और अब के 2 दिए, वो भी रोते रोते। बताओ, बुरा नहीं लग रहा तुझे भाई? यार गिटार बजाना। स्मार्ट पे हम पहुंच गए थे, हमारे यहाँ जो शॉपिंग मॉल है इसके अंदर। उसके बाद अंदर जाने के बाद मुझे बंदा वापसी लेके आता। भाई क्यों लेके आया ये नहीं बताओगे? भाई वहाँ एक बंदा था, मेरे को नहीं पसंद हूँ मैं, नहीं भाई। तुम्हें बंदा पसंद नहीं सर, तो तुम वापसी लेके आ जाओगे हमें? और क्या, मैं ना उसके सामने फेस टू फेस रहने नहीं चाहता अभी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बहुत बड़ा ऑफर हो जाएगा। कि अभी हम गए ब्रदर बेकरी, और फिर पता नहीं क्या सीन हुआ वहाँ, कोई ऐसा मिल गया जिसके सामने मैं नहीं जाना चाहता। वो तो मिला ही मिला, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी। भाई मैं फेस ही नहीं कर पाता उसे। यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ? फैमिली भी, वो ओपन फैमिली भाई। भाई फैमिली बड़ी ओपन है, ये बात तो मैं मानूंगा। इतनी ओपन फैमिली मैंने आज तक जिंदगी में देखी। अब भाई भाई जो जानता वो जानता है भाई। भाई बड़ा गंदा सीन है, पहले वहाँ से वापसी आना पड़ा, अब यहाँ गए, अब यहाँ से वापसी आना पड़ा, अब कहीं और जा रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ पे बैठ पाएंगे या वहाँ से भी वापसी आएंगे। यार फाइनली हम स्मार्ट ही आ गए और कहीं नहीं। यार कितना गंदा सा है, तो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वहीं चले जा रहे हो तुम। शॉपिंग तो कर दिए स्टार्ट। अच्छा अबे मच्छर कहाँ से आएंगे? और संचित अपना कुछ सामान मन कर लें, मग लिया ले लिया और अच्छे देखेंगे ना। हाँ देखते हैं, चलो इनमें मग है एक, एक ही मग है, हमें पसंद आया ये, तो हम ले रहे हैं यही वाला। मेरे भाई ने यहाँ से स्मूथ उठा लिया, बिल नहीं करवाया इसका, फिर भी पीनी है। क्या पता बिल कराऊंने का, पागल वागल हो गए यार तुम, चोर हो। अच्छी लगती है बहुत भाई। तो बिना बिल करवाए पियोगे? और क्या, बिना बिल करवाए भाई लीगल होता है, इसमें कुछ हो थोड़ी रहा है। पैसे कौन देगा इसके? मैं दे दूंगा भाई। कब दोगे? पेमेंट पेटीएम, सॉरी पीने के बाद। अभी दे दूंगा। पीने के बाद? पीने के बाद दोगे? अब पीने से पहले अगर इन्होंने मांगी थी भाई, अब तो हो गया, गंदी लग रही है यार। मेरे को लगा हेज़लनट देना है क्या? और क्या देना नहीं आपको? वहीं रख देते, चुप भाई, बिल देना पड़ेगा, ईमानदार बनो। कॉल कट गया यार, पता नहीं। तो आप इसके बिल देने के मूड में नहीं हो? फ्री के लिए उन्होंने दिया ये पेपर बैग, और सामान है ये, 12 रुपए दे रहा हूँ उनसे बैग ले। वही करना पड़ेगा, रख दे से। बिल एक पेपर बैग का है, इतना बड़ा भाई। इसे टोट बैग बना लियो ना संचित, तू
गिफ्ट कर दियो किसी को। हाँ यही तो रह गया, बस रखो अब इसमें भाई। चलो सामान वगैरह लेके निकल चुके हैं, अभी हम जाएंगे एक बास्केट लेने, और बास्केट क्यों लेंगे वो पता चलेगा आपको घर जाके। Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. अभी एक लिए बास्केट, और बास्केट क्यों लिया मैंने कहा था घर जाके बताऊंगा। तो जैसे कि आपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में सुना कि मैं काफी टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं से खाली हाथ जाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सामान लिया है अपने कजन्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, और अपने नानी मामा के लिए। तो इसी को मैं पैक करता हूँ, मतलब एक मुझे अपना टच देना हर चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं चाहता तो मैं बाहर से बना बनाया भी हैम्पर ले सकता था, बट उसमें मेरा कोई पर्सनल टच नहीं होता, जस्ट मुझे पैसे दे के लेना था। लेकिन अब इसको जब मैं असेंबल करूँगा तो उसमें एक मेरा थोड़ा टच रहेगा जो कि मुझे देना था, तो और वो पसंद भी आता भाई लोगों को, अपना पर्सनल टच दे के इन्होंने करी चीज़। तो उसी को भी करते हैं बास्केट को असेंबल, आप करिए टाइम लैप्स एंजॉय। तो कोई ना ठीक करेंगे। फिर आ चुके हमारे ये गिटार असेंबल करने, उठ चुका ये था इसके अंदर, अब हम फिक्स करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट दिखा, जो कि चुराया हुआ है, मेरा नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन अब हमारा है। तो अब हम इसे करेंगे यहाँ पे एडजस्ट, और उसके बाद लगाएंगे इसके ऊपर रिंग्स। बता तेरा कितने का बजट है? क्यों? इधर तो है, इधर। हाँ बता इनमें से तेरा कौन सा का बजट है? क्यों? कितने का बजट? क्यों? ऑनलाइन से भाई ऑर्डर कर रहा हूँ मेरा, तूने कहा था खिलवाऊंगा, चल खिलवा। अबे कब कहा मैंने खिलवाऊंगा? ओ झूठे, कल कहा था तूने खिलवाएगा। तो तू ज़ोमैटो ऑर्डर करे? हाँ भाई हम तो ऑर्डर करेंगे। क्यों भाई? पागल हो रहा, तूने कहा था खिलवाएगा, मुझे नहीं पता मुझे चाहिए भाई। तो जोमेटो से थोड़ी कहा था कुछ ऑर्डर कर लियो अपने। जोमेटो से क्या कहा था भाई, क्या सस्ता मिल रहा है बस। अबे 90% ऑफ चल रहा है। 90? अच्छा, अरे चीज कितने की है, क्या ऑर्डर कर रहा है भाई? मैं कर रहा हूँ पनीर मसाला डोसा। पनीर मसाला डोसा? मसाला डोसा ही खा ले भाई, पनीर मसाला या फिर रहने, चल मैं देखता हूँ कुछ और आइटम देखता हूँ। कुछ और आइटम क्या? अरे यार थोड़ा सोचने में टाइम बिता रहता है, इतनी सारी चीजें कंफ्यूज होता है बंदा थोड़ा। ओ बेटे यार पिज़्ज़ा का मन कर रहा है, डोमिनोज से मंगवा लूं? डोमिनोज तो डोमिनोज वाले रिश्तेदार थोड़ी है मेरे, डोमिनोज ही तो खोल रखा है। अब ज़ोमैटो से डोमिनोज पे आ गया तू? हाँ उन्हें देखा उसे, वो मेरा छोटा वाला भाई है, तो वो कह रहा है मुझे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके दे, तू कल जा रहा है तो मुझे पहले पार्टी दे के जा। और भाई ऐसा क्यों कह रहा है तू, क्यों ऑर्डर करके दूं मैं तुझे? भाई तूने उसको भी तो खिलाई थी चॉकलेट ब्राउनी, मेरे को भी खिला, तूने तूने भी तो मेरे जीपी उसकी है, उसका इतना सा काम था। तो तू मेरा से हिसाब करेगा अब चीजों का? हाँ भाई मैं तो करूंगा, देख मेरी चीज तूने खाई, अब चीज खाऊंगा तू खिलवाएगा। भाई आजकल के बच्चे बहुत तेज हो चुके, बच के रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे बस। तो क्या मतलब सब बच्चे बहुत सुधरे हैं पर बड़े भाई बहुत बिगड़े हुए हैं। फाइनली मिल गया, दिखा दियो। मस्त ले गया यार, इससे थोड़े पैसे मैंने ले लिए। So yeah guys, that's it for the video. Hope you like it, and if you like it, don't forget to like, share and subscribe to my channel Raza Unplugged. Milte hain jaldi ek next video mein. Till that, bye bye, take care.